मेरे सेयन वॉरियर्स, आज के बाद आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करें, पिकनिक पे जाएं या फिर ट्रैकिंग करने कहीं जाएं, पूरी जर्नी में आप सबसे स्टाइलिश और कंफर्टेबल कैसे दिख सकते हैं, उसके अल्टीमेट फैशन एंड ग्रूमिंग के हैक्स की बात करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आपको मैं कुछ स्मार्ट ट्रैवलिंग हैक्स बताऊंगा, ताकि आपकी जर्नी काफी ज्यादा सेफ और इजी हो जाए। प्लस मैं आपको स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए अपनी कुछ फेवरेट टीवी सीरीज और मूवीज भी रिकमेंड कर दूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। पॉइंट वन, परफेक्ट ट्रैवलिंग बैग। ट्रैवलिंग के टाइम पे हम कैसे टाइप का ट्रैवलिंग बैग चूज कर रहे हैं, ये भी हमारे ओवरऑल कंफर्ट और स्टाइल का एक मेन पार्ट होता है। पर क्योंकि मार्केट में बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज के बैग्स अवेलेबल हैं, तो इस केस में कंफ्यूजन होना तो सुपर ऑब्वियस है। बट सारे कंफ्यूजन को हटाते हुए मैं आपको बस दो टाइप के बैग्स रिकमेंड करूंगा। अगर आपकी ओवरऑल जर्नी थोड़ी लंबी है, यानी कि एक दो हफ्ते की या फिर उससे ज्यादा, तो आप रक्सैक टाइप के बैग्स प्रेफर कर सकते हैं। ये दिखने में भी स्टाइलिश होते हैं लंबी जर्नीज के हिसाब से, इनमें परफेक्ट स्पेस भी होती है और हैंडलिंग में भी ये काफी इजी रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी जर्नी बस एक दो दिन के लिए ही है, तो आप कोई भी एक कॉम्पैक्ट अच्छा सा बैकपैक प्रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हो आपके लैपटॉप के लिए, कपड़ों के लिए, एसेंशियल्स के लिए एक्सेट्रा, और जो दिखने में भी स्टाइलिश लगे। सारे बैग्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पॉइंट सेकंड, ट्रैवलिंग एसेंशियल्स। बैग चुनने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि बैग के अंदर एसेंशियल्स डालना, जिसका आप एक सेपरेट छोटा किट भी बना सकते हैं। इसके अंदर आएगा आपका ब्रश, छोटा टूथपेस्ट, छोटा टॉवल, सनस्क्रीन, पॉकेट डियो, फेस वॉश, पेपर सोप और थोड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिंस। इन सब के साथ एक अच्छा सा वॉलेट, जिसके अंदर आपका लाइसेंस, आईडी प्रूफ्स होंगे, ताकि दूसरी सिटी में होटल्स चेक इन में और टू व्हीलर्स रेंट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। पॉइंट थर्ड, परफेक्ट क्लोथ्स वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप जो भी क्लोथ्स चूज करोगे पहनने के लिए, वो मेरे हिसाब से वर्सेटाइल, कंफर्टेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टाइलिश होने चाहिए। तो इसलिए आप अनकंफर्टेबल शर्ट्स, जीन्स या फिर पैंट्स पहन के ट्रैवल मत करना, और जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करने जाओ, वेदर के हिसाब से कपड़े चूज करना। तो स्पेशली समर्स के लिए मेरी फेवरेट ट्रैवलिंग आउटफिट है टॉप वेयर पे फुल स्लीव की हैनली टी शर्ट। हैनलीज नॉर्मल टी शर्ट से ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं, प्लस फुल स्लीव टी शर्ट आपको ट्रैवलिंग के वक्त सन टैन से भी बचाती हैं। इसके साथ बॉटम वेयर में आप पहनेंगे कार्गो जॉगर्स, जिनमें चेन्स होंगी। चेन्स होने से आपके फोन्स या ईयरफोन जेब से नहीं गिरेंगे, प्लस कार्गोज में इतनी पॉकेट होने की वजह से आप काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, प्लस आप एक्सट्रीमली स्टाइलिश तो दिखोगे। शू वेयर के लिए आप या तो स्लाइड्स पहन लेना, या फिर मेरा फेवरेट आप कैनवास लोफर्स पहन सकते हो, जो आप ट्रैवलिंग के दौरान और लोकली सिटी में पहन के घूमोगे तो भी अच्छे लगोगे। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। सेकंड आउटफिट में आप पहन सकते हैं एक हाफ स्लीव टी शर्ट, स्लिम फिट या ओवरसाइज, टोटली आपकी इच्छा है। बॉटम वेयर में एड करना शॉर्ट्स जिसमें चेन होगी, और शू वेयर के लिए अगेन या तो स्लाइड्स या फिर कैनवास लोफर्स। ये भी काफी कंफर्टेबल आउटफिट है, स्पेशली नाइट टाइम के लिए। इन आउटफिट्स के साथ आप एक या दो बीडेड ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, और बैग के अंदर कैप्स और सनग्लासेस रखना मत भूलना। लंबी जर्नी वालों के लिए बैग में एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने की हम बात करें, तो इसके लिए अगर आप किसी पर्पस की वजह से दूसरी सिटी में जा रहे हो, यानी कि इंटरव्यू या मीटिंग, तो आप उस हिसाब से अप्रोप्रिएट कपड़े बैग के अंदर रखना। बट इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ वर्सेटाइल क्लोथिंग पीसेज रिकमेंड करूं, जैसे कि चेक्ड शर्ट, जो आपकी जीन्स और चिनोज दोनों में चल जाएगी। चेक्ड शर्ट्स फोटो खिंचाते समय भी अच्छी लगती है, साथ में आप सॉलिड टी शर्ट्स रख सकते हैं। नेवी ब्लू जीन्स और चीनो जॉगर्स भी बहुत कूल लगेंगे। साथ में आप कोई भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रख सकते हैं, और कोई भी एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज, आप जिस भी पर्पस के लिए दूसरी सिटी में जा रहे हो उसके हिसाब से। इन सब के साथ आप एक सेपरेट छोटा जिप वाला बैग रखना मत भूलना, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा अंडरवेयर और सॉक्स रखेंगे। स्पेशली जर्नी के वक्त आप कपड़े भले ही चेंज न करें, बट सॉक्स और अंडरवेयर तो प्लीज रोज चेंज करना। विंटर्स की परफेक्ट आउटफिट्स की बात करें, तो हुडीज और कार्गो जॉगर्स या फिर ट्रैक पैंट्स बेस्ट आउटफिट है विंटर ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा आप विंटर्स में एसेंशियल क्लोथ्स तो रखोगे ही, साथ में बैग में एक वर्सेटाइल जैकेट या तो बॉम्बर जैकेट या फिर डेनिम जैकेट में से कोई एक रख देना। पॉइंट फोर, सम एडिशनल ट्रैवलिंग स्टफ। ट्रैवलिंग करते समय आप बैग की एक सेपरेट कंपार्टमेंट में सारे वायर्स, जैसे कि चार्जिंग वायर, पावर बैंक, ईयरफोन्स डाल सकते हैं। इनको सेपरेटली अच्छे से रखते हैं तो ये उलझते नहीं है। बारिश की जगह जा रहे हैं तो अम्ब्रेला ले जाना, और रास्ते के लिए थोड़े बिस्किट, स्नैक्स और वाटर बॉटल ले जाना बिल्कुल मत भूलना। फाइनली वीडियो की बोनस टिप के कुछ प्रो ट्रैवलिंग हैक्स के लिए, ट्रैवलिंग के टाइम पे कपड़ों को पैक करने का एक हैक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। टी शर्ट को टेबल पे कुछ ऐसे बिछाओ, फिर उसके बीच में अंडरवेयर रख के टी शर्ट को हाफ कुछ इस तरीके से फोल्ड करो, फिर टी शर्ट के टॉप पे दोनों सॉक्स हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से बिछाओ, फिर सॉक्स की तरफ से पूरी टी शर्ट को अच्छे से रोल कर दो, और सॉक्स के जो एंड बाहर रह गए थे उससे ये पूरा का पूरा रोल पैक कर दो। ये हैक आपकी स्पेस भी बचाएगा और कपड़ों को भी सुपर सेफ रखेगा। इसके अलावा अगर आप मेरी तरह थोड़े केयरलेस हैं, तो आप बैग में छोटा लगेज लो
लॉक भी लगा सकते हैं। थर्डली, अगर आपका फोन कहीं मिसप्लेस हो जाए या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप लॉक स्क्रीन पे कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर डाल के अपने पापा का या अपने कोई भी गार्डियन का नंबर डाल के रखना। सेकंड बोनस टिप के हिसाब से 3 मेरी फेवरेट मूवीज और ऑडियो बुक्स आपकी स्क्रीन पे हैं, ताकि आप एंटरटेन्ड होने के साथ साथ कुछ सीख भी लो ट्रैवलिंग के टाइम की। आपकी 3 कौन सी फेवरेट मूवीज हैं आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। फुल बॉडी पर्सनल हाइजीन टिप्स की वीडियो देखने के लिए लेफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना, और लोफर्स के अल्टीमेट फैशन गाइड की वीडियो आप राइट बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं।